सर आपके नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। सर किस पद में आप लग रहे हैं? जिला परिषद। सर तो क्या मोटो आपका है? मोटो है क्षेत्र में विकास होना चाहिए, गरीब किसान मजदूर युवा जो भी है उनको शिक्षा पे काम होना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट, समझ ही रहे हैं। बाकी जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रोड में जहाँ भी सड़क है वहाँ नाला नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और हर जो भी किसान लोग हैं उनको सही अनुदान मिलना चाहिए, पैक्स से सही खाद खली सब चीज़ मिलना चाहिए, और बहुत सारा काम है। महिलाओं को छोटा छोटा रोजगार मिलना चाहिए जिससे हमारी महिलाएं और सख्त हो सके, और क्षेत्र का उसके कारण महिलाएं को लोग ध्यान नहीं देते हैं, महिलाओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए और युवाओं पे भी। युवा जो है वो देश के समृद्धि के संरक्षक हैं, बिना यूथ के कुछ नहीं होने वाला। आज अपने जो देश है उसमें युवाओं का बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। और कुछ सर शिक्षा का बात करें, सर शिक्षा तो आज के दिन काफ़ी ख़राब हो चुका है कोरोना काल को लेते हुए, इसका वजह से क्या जैसे शिक्षा के बारे में? जैसे शिक्षा है तो जैसे हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में बीएड कॉलेज खुलना चाहिए, जो भी स्कूल है संस्थान है कॉलेज है उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए, जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सही प्रतिनिधि हो और सही उसका मॉनिटरिंग करें, ठीक है। उसके अलावा आपका जितना भी प्राइमरी है संस्थान है कॉलेज है उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए, जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सही प्रतिनिधि हो और सही उसका मॉनिटरिंग करें, ठीक है। उसके अलावा आपका जितना भी प्राइमरी स्कूल है, जो भी हमारे एससी एसटी के बच्चे हैं, गरीब रिक्शा वार चालक टेम्पू चालक ठेला चालक चाहे जो भी हैं गरीब मजदूर हैं, उनके बच्चा के लिए हर घर जाके सबको शिक्षा में कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे स्कूल जाया जाए, हर घर जाके करना चाहिए, ठीक है। उस पर विशेष ध्यान रहेगा। जो भी हमारे क्षेत्र की बच्चियाँ हैं उनके लिए विशेष रूप से ANM कॉलेज हो, ठीक है, BEd कॉलेज हो तो टीचर बन सके शिक्षक बन सके, हायर स्टडी में जाने के लिए जब तक उनका लोअर स्टडी मजबूत नहीं होगा हायर स्टडी में कैसे जाएंगे, इस चीज़ पे कोई आदमी ध्यान ही नहीं देता, यही होना चाहिए और क्या होना चाहिए। और सर बात करें सर हम हॉस्पिटल की, सर जैसे अपने गांव में हॉस्पिटल उस लाइक नहीं, एम्स एम्स जैसे अपने को जैसे पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, सर क्या करना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा और जो भी प्रतिनिधि हैं, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, उन सभी को मिलके हर पंचायत में एक अच्छा हॉस्पिटल खुलना चाहिए जिसमें ICU का व्यवस्था हो, OPD का व्यवस्था हो, जितने बूढ़ बुजुर्ग आदमी हैं महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी में दिक्कत होता है, और हर एक पंचायत में निःशुल्क एम्बुलेंस हो, यही होना चाहिए और क्या। ज़्यादा तो हमको लगता है यही हो जाए तो बहुत है, हम यही प्रयास करेंगे जो पटना तक समस्तीपुर जिला तक जहाँ तक हो सके उसको बात किया जाए, लिखित में हो मौखिक में हो हर चीज़ में किया जाए। सर जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने द्वारा? मेरे द्वारा कोई अपील नहीं है जनता के, अपील यही है कि सही आदमी को चुने और सही के साथ रहे, बस यही अपील है और कोई अपील नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ, पूरा नाम? मेरा नाम हुआ पूरा अभिषेक कुमार, इंजीनियर है। क्षेत्र संख्या 32 हुआ लेडीज प्रच्छाप और क्रमांक संख्या 2 पे है। और कुछ लोग से हम बात करेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग को, कैमरा को बंद करना फिर खोलना। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? दूध नाम जाओ जिस वक्त क्या चुनाव यही चल रहा है, क्या करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है चुनाव भी चल रहा है, चुनाव रैली चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको? उनमें तो सबसे बढ़िया मतलब वाने कुमार हैं, अभिषेक कुमार। हाँ ये हम लोग उनको चाहते हैं कि जो वोट हो तो उनको बना दे, विजय करें, अच्छा है। और कुछ लोग से हम बात करते हैं और बताते हैं। हाँ सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न यादव हुआ। सर चुनाव रैली चल रहा है, सर क्या लग रहा है आपको? चुनाव में हम लोग अच्छा युवा के चुनना चाहते हैं जो विकास करे और विकास करे और उसमें